हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्राइडे का दिन है, मेरी छुट्टी है। ये मैं थोड़ा सा लेट उठ के अभी कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने खाए थे जैम टोस्ट और बॉइल्ड एग। तो टोस्ट हमारे आजकल सिक रहे हैं पैन में, क्योंकि टोस्टर हमारा हो गया हुआ है ख़राब। तो चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को होती है शाजिया की छुट्टी, तो इसलिए उसकी जगह पे ये कमरा वगैरह साफ करना और डस्टिंग वगैरह रानी करती है। इट्स अ सनी डे टुडे और वैसे भी छुट्टी का दिन है। छुट्टी वाले दिन ऐसे ही थोड़ा बंदा लेजी सा होके रिलैक्स करे, यही है मज़ा छुट्टी का, या थोड़ा लेट उठ जाए। तो मैंने फिर चेंज किया और अब देख रहे हैं कि मैंने बालों की चुटिया बनाई हुई है। आप बताइएगा कि ये बंधे हुए बाल मुझे कैसे लगते हैं। बाहर की धूप जो है वो देखकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाहर जाकर बैठूं, थोड़ी सी वार्म अप करूं बॉडी और थोड़ा सा विटामिन डी लूं। तो बाहर की वीडियो बनाने के लिए मैंने सेल्फी स्टिक यूज़ की है पहली दफ़ा। बताइएगा कैसी लगी आपको। अच्छा जी, मैं बाहर आ गई हूँ। बड़ी तेज़ धूप है और बड़ी अच्छी चल रही है जी हवा। तकरीबन बज गए हैं, कौन आया ये नीचे, 4 बज गए हैं और मैं बाहर आई हुई हूँ। बड़ी प्यारी धूप है और ये परिंदों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये है जी हमारे इर्द गिर्द के इस्लामाबाद की आज लुक। फ्राइडे का दिन है और मैं वेट वैसे कर रही हूँ मुजीब का। तो अभी मुजीब आते हैं तो हम चलते हैं लेने के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी। वॉल्स वाला मरियम याद आ गई। बड़ा प्यारा मौसम है। मैं सोचती हूँ कि रानी को कहती हूँ, खाना बना रही है वैसे वो, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि मुझे चाय बना दे। रानी जी, एक कप चाय बना दो। अच्छा, ये क्या बेच रहे? नहीं जी, चाय आ गई है। हेलो कर दे। सलाम। हेलो, हाय, कैसे हैं सब? रख दे रख। हमारे जो ट्रिप है उसकी कुछ तैयारी शैयारी हो गई है। या। और मुजीब अभी ग्रोसरी के लिए कब चलना है? जाओगी चलेंगे, तभी चले। चले बस थोड़ी देर में चलते हैं असर की नमाज पढ़ के। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इसका क्या G9 में बंद तो नहीं होंगे आज? फिर कौन से वाले स्टोर पे चलें? मेरे ख्याल में G9 में जो है कैश एंड कैरी उस पे चलते हैं। लास्ट टाइम भी हम उसी पे गए थे, अच्छा स्टोर है बड़ा। नहीं, वैसे तो हम सौदा सेल्फ भी जाते हैं और एक और भी है, वो कौन सा? अल फते। लेकिन कैश एंड कैरी चलते हैं। कैश एंड कैरी सबसे रीजनेबल है। ठीक है। आपको पता है इस दफा तकरीबन जो हम लाए थे ना, तकरीबन 2 मंथ्स चला है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे केयरफुली करना पड़ा। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि ये नहीं कि कोई जाया करता है, लेकिन जिसके अपने खरीदा हुआ होता है ना, उसके दिल में जो दर्द होता है ना उस चीज का, वो बाकियों में नहीं होता। वो दर्द सिर्फ वही समझता है। तो मैंने इस दफा हर चीज अपना मतलब कंजूसी भी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खुल खिला के खाया है, लेकिन मैंने चीजों को बड़ा मेजरमेंट से और बड़े तरीके से मैंने किया है। ठीक है। तो इस दफा भी मेरा यही प्लान है कि जो चीजें लेकर आए उसको फिर मैं अपने हाथों से यूज करूं, क्योंकि अगर मैं खुला छोड़ दूं ना फिर चीजें बड़ी जाया होती हैं और फिर बरकत भी नहीं रहती। रानी शाजिया का कैरी होती है, शाजिया रानी का कैरी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर, हां दोनों मिलकर तीसरे का कैरी होता है। वो जो एक पाकिस्तान की गेम है, पाकिस्तान की नेशनल गेम पता है क्या है? हां, कि जब मैं आया था तो इसी तरह ही था। नहीं, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, यस। जो ब्लेम गेम है ना, वो बड़ा सबको बड़ा शौक है, बजाय इसके कि अपने आप को देखें दूसरों को ब्लेम लगाना। बिल्कुल सही है। तो बस अभी थोड़ी देर में
मैं इसलिए इतनी सारी बातें कर रही हूँ, सुस्ती सी हो जाती है, उठने लगते हैं कि चलो चलें, सुस्ती सी हो जाती है, लेकिन चलें। चलो अंजुम देखने लगी कि क्या क्या चीजें हमने लानी है और क्या चीजें नहीं लानी। दीजिए जनाब, चेक कर लिया मैंने, चेक कर लिया, वो भी है और वो जो था वो भी है। अच्छा वो भी है, वो भी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। और ये भी है जी, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, ओके। कुतली कुतली नीचे वाली अलमारी देख लेते हैं जहाँ पर टॉयलेटरीज है। ओके, वाह भाई वाह, ये यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा ये क्या हो रहा है? ये सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर जंबल अप हुए हुए होते हैं, फिर पता नहीं चलता कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है। अब ये होगा कि ये सारी जिस तरह ये एक्सेसरीज है, ये हमारा स्टेज बनाने वाला नहीं मिल रहा था, और ये हमारा वो जो हम बनाते हैं कटलेट्स वगैरह के लिए मैशर्स, ये होगा अंडे में सब मिक्स कर दूंगा मैं, अंडे मिक्स कर। अच्छा मुझे सिर्फ दो मिनट दे दे, मैं देख लूँ कि टॉयलेटरीज जो हैं वो क्या क्या नहीं है, मैं जा रही हूँ लेने के लिए। क्या तोड़ा क्या तोड़ा क्या तोड़ा? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, वो हमारे साथ हो रहा है। हमारा एक सेगमेंट होता है हमारे ब्लॉग का ब्रेकिंग न्यूज, तो आपने ये तोड़ा है और आपकी हाँ। ब्रेकिंग कोई चीज ब्रेक नहीं हुई? नहीं आज बचे तो हुई नहीं यार। वन फिनाइल इज देयर, विम इज देयर, एक टिश्यू पेपर है, टॉयलेट रोल्स हैं। ओके याद रहेगा, याद रहेगा, मेमोराइज मेमोराइज। ओके एक किचन रोल, मेडिकल स्टूडेंट है, मेमोरी बड़ी तेज है हमारी, बिल्कुल शुक्र। फिर आपके पास वो छाननी होनी चाहिए, गोल छाननी है, नहीं बढ़िया ऐसा थोड़ी थोड़ी है ना। दालों में माश की दाल मैं देख के आई हूँ, लाल लोबिया भी है, मसूर की नहीं है, चने की नहीं है, एक वो सफेद सफेद भी है, वो ग्रीन कलर की जो, हाँ साबुत मूंग, वो थोड़ी सी वो पड़ी भी है, और जो है ना वो नहीं है, क्या नहीं है, चने की दाल नहीं, सफेद चने भी नहीं है, ब्लैक चने है। हाँ जी ठीक है, मैं जाने की तरह नहीं, नहीं काले चने भी नहीं है, नहीं है। सफेद चने काले चने दोनों लाने हैं। बाजी वो भी लेके आऊंगी, क्या बता तो वाले मेरे पूछना, वो तो सारा कुछ टॉयलेटरीज में मैं ले आऊंगी। के जब मतलब कुछ चीज पैक करनी होती है तो उसके लिए फिर हाँ वो तो फिर रख देते हाँ, लेकिन साफ चीजें साफ करने के लिए ना टॉवल रख ले, नहीं वो उसको साफ तो नहीं होता। सूरज ऑलमोस्ट गरूब हो रहा है, चलें जी लेट्स गो। अच्छा जी, फ्राइडे को जी नाइन मरकज़ जो है ना वो बंद होता है, तो हम जा रहे हैं कैश एंड कैरी जी नाइन वाले में, लेट्स होप कि वो खुला हुआ हो, चलते हैं और देखते हैं। जी नाइन में आ गए हैं, मुझे वैसे किसी दिन टोस्टर के लिए भी जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, टोस्टर हमें मिल जाएगा इधर से F10। लेकिन आज हम ग्रोसरी करेंगे, मतलब एक दिन में एक काम ही होता है। ठीक, यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा मिल गई है पार्किंग, और वो पंजाब कैश एंड कैरी, हम वो कैरिंग बैग्स हम साथ लेके आए। मुझे कितनी प्यारी क्यूट कैट है, गाड़ी चलेगी तो नीचे तो नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं आती, वो लफाफे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें इनके पास हमें वी हैव टू बाय देम। हाँ ठीक है, और मुईस के जो नाश्ते के अलावा ना बाकी मुईस के नाश्ते के अलावा बाकी सारा कुछ ले लेंगे। मुईस का नाश्ते का सामान जो है वो शम्स से या ईसा जी वगैरह से मिलेगा। ठीक ओके, हमने स्टार्ट में लिया है ये मिल्क पैक, दिस सीम टू बी गुड वन। ओके टॉवल, टॉवल मैं सोची थी किचन टॉवल, किचन टॉवल चेंज कर लेते हैं ना। हम्म,
छोटे वाला लेना चाहिए. This is all right, I think. This one, huh? एक ये ले ले. Okay. अच्छा जी, तो अब आगे आप देखें कि मैंने ना 6-7 पैकेट दालों के उठा के तो मैंने किसी और की ट्रॉली में डाल दिए और मैंने कहा कि आगे चलें, रश बहुत है. तो देखें, मुजीब ने ये कैप्चर कर लिया. फाइन, आई कैप्चर्ड इट. शैम्पूज की ना यहाँ बहुत वैरायटी है और मुझे तो चूज करना ही मुश्किल हो रहा था. ओके. ओरियल का शैम्पू लेने के बाद नेक्स्ट बारी है भाई सोप्स की. सोप्स में ना वो ले लेते हैं इंपीरियल लेदर और पीएस. डू दे हैव? हाँ, क्योंकि बाकी तो वो नरम हो के बिल्कुल कीचड़ हो जाए. ओके. तो बहुत छोटा नहीं है ये? अच्छा जी, तो ये सारा सेक्शन जो है ये वॉशिंग पाउडर्स का था, जैसे कि सर्फ एक्सेल, एरियल, ब्राइट वगैरह. और अब तो ये एरियल और सर्फ वगैरह लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल थे वॉशिंग मशीन के लिए, लेकिन मैंने वॉशिंग पाउडर ही लिया क्योंकि मैंने कहा कि शाजिया को इतना पाउडर का अंदाज़ा ज़्यादा है, मे बी अगर मैं लिक्विड फॉर्म में लूँगी तो फिर उसको कन्फ्यूजन ना हो. टूथपेस्ट में मेरी फेवरेट है जी सिग्नल्स, एक्वा फ्रेश, क्रेस्ट वगैरह. ये हमारा फाइनल हो गया और इसके बाद हमने जो क्रॉकरी लेनी है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर. ये देखें जी, फ्रोजन खानों की तो भरमार थी, जैसे कि मतलब घर के बने हुए भी इवन अवेलेबल थे और कंपनीज के भी, जैसे कि सीख कबाब, चपली कबाब और कोफ्ते वगैरह ना, तो समोसे, रोल्स और ये सब कुछ भी था जो कि मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा. लेकिन मैंने कहा इसके लिए फिर मैं आराम से आऊँगी एक दिन और बड़ी चूज़ करके चीज़ें लूँगी. मुझे किसी ने अपनी बैठने के लिए जगह दे दी है तो अल्लाह उनका भला करे. जजाक अल्लाह. आसिम भाई, ये कोई 29,000 का बिल बना था हमारा टोटल. चलें जी, लेट्स सी द क्रॉकरी. वाह जी, बड़ी कलरफुल स्टेयर्स हैं. ओए, ये तो काफी बड़ा है. वाह जी वाह, गुड क्रॉकरी. वेरी ब्यूटीफुल, ये देखें ब्यूटीफुल. मुझे भी अपनी कॉफी के लिए लेना चाह रहे हैं. कॉफी के लिए गाड़ी में कैरी कर सकेंगे. वाह, गर्म रहेगी. दिखाएं जरा सीधा करके. वाह जी वाह, इट्स ब्यूटीफुल. ऊपर लिड दें. मैं देख रही हूँ, मैं वो देख रही हूँ कोई सॉल्ट एंड पेपर के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा अभी इसमें से कोई भी. ये वाला तुम्हारे पास है ऑलरेडी? नहीं, आई डोंट नो. जी बस ये ट्रांसपेरेंट है, उसमें नज़र आएगा है ना. हाँ है ना. हाँ या हाँ या, कौन सा वाला है? तो बहुत अच्छी वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है. फिर देखते हैं. मैं खाए विद स्पून. या इट्स गुड. और इसमें
ये वाला भी है, क्यूट है ना बहुत। या शेफ डिश सर्विंग डिशेस सर्विंग डिशेस सर डिनर प्लेट्स हैं ये तीन का सेट, ये डेरी प्लेट मुझे बड़ी अच्छी लग रहा है इस तरह के ये सेट्स है ना, क्या आप मेरा दिल कर रहा है कि अपना ले लूं और चेंज करूं? हाँ ले सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट है। इसमें और भी हैं जैसे ये, अगर ये लिया जाए तो इसके साथ बोल है या तो इसमें वो डल सकता है शोरबा भी या सूप भी। बिल्कुल ठीक है, ये पूरा सेट होगा फिर अन्य मतलब इसमें जो मर्जी पिक कर ले। जी आपको क्या चाहिए मेरी शॉप से? ये देखिए इट्स ब्यूटीफुल, मेहमानों के सामने कुछ भी ना रखा हुआ हो यही रख दें खाली। नहीं नहीं ऐसे भी ना करें पसंद आएगा। हाँ दीज आर द ट्रेस बेटा, इसको पूरा हमें सेट ही लेना होगा। जी ये सेट लेना होगा। प्रिंट तो अच्छा, दिल कर रहा है कमीज बनवा इतना अच्छा प्रिंट, लेकिन डेली यूज के लिए नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है डेली यूज के लिए? ये और इसका सील्ड है, ये सील हो जाता है। ओके जी, इसकी प्राइस बता दें। वो 3250। अच्छा ये लिखा है, इसमें और प्रिंट है ये जी, ये भी है, ये है, ये वाला। इसमें सिर्फ तीन ही है, ठीक है। और इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है? ये चार पीस जो है ये 3250 की, ये तीन पीस कंपनी डिफरेंट है। अच्छा अच्छा ठीक है, बॉन्ड में फर्क हो गया, सही है। व्हाट अबाउट दीस? ये वाले ले लो, वो तो मुझे मैंने बहुत यूज किए हैं, मैं नहीं लूंगी ये, मैं ले सकती हूँ ये नहीं लूंगी, ये बहुत यूज किए हैं। एक तो मैंने ये चूज कर लिया ना, ओके, क्योंकि ये देखें कि ये मतलब 1500 में हमें तीन मिल रहे हैं विद ढक्कन और माइक्रोवेव सेफ। ये जैसे कि ना मुझे कई सारे ये भी ले रही हूँ, ये 2000 का एक, बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, शुड बी गुड क्वालिटी, साइडों से ये खुलता है, ये माइक्रोवेव ओवन के लिए। नहीं तो ये दूसरे माइक्रोवेव में नहीं चल सकते? चल सकते हैं। ये चीनी दाल जी, मल्टीपल में याद है। इसकी क्या प्राइस है? और इसकी 1070। वेरी ब्यूटीफुल, अच्छी सर्विंग डिशेस है ना। ये देखिए मज़ा आ गया, डिज़ाइन देखिए आप, इतनी डिज़ाइन है। ये देखिए दिस इज स्क्वायर, हाँ या और ये देखिए, मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ले लूँ और मेहमानदारी शुरू कर लूँ। बिल्कुल ठीक है, एक से एक बढ़ के। ये देखिए अगर आपने इसमें पाए वगैरह जो है ना उसके लिए, केक के लिए, इवन फॉर द केक, इवन फॉर द केक इज द बेस्ट। सारी चीज़ें खरीद, ये ले लो आप केक के लिए लेना तो। स्टैंड वाला लेना चाह रही हूँ इस तरह का, स्टैंड वाला ले लो। ये देखिए ना, ये फ्रूट के लिए है। हाँ इसके ऊपर फ्रूट वगैरह रखे। या ये 6000 का है, एंड दिस वन इज फॉर 4000 समथिंग, 7000, 6000। वैसे मुझे ये आपकी बात सही है, दिस इज अ गुड डिश केक के लिए। हाँ केक के लिए, इसके ऊपर बना हुआ भी देखें, केक है, केक है।
एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन इतना बड़ा केक मुझे 8 पाउंड के केक के लिए दरमियान ही होना चाहिए और ये बहुत छोटा है. इन बिटवीन होना चाहिए. इनसे पूछे ना कोई हो इन बिटवीन. मैं पूछती हूँ. वो बड़ा अच्छा लगता है. ये इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल के ना तो इस तरह से आप फ्रेश. या आई थिंक दिस इज बेटर है ना. लेकिन ये दबाने से होगा और वो क्रश करने से ये ज्यादा बेहतर है. ये वाला यानी फ्रेश वो जो खुशबू आती है ना अंडे के अंदर. उसका भी सेम काम ही है. ये इस तरह होता है उसमें क्लिप है ऊपर से पुश है. आई नो. ये वाला दे दें ट्रांसपेरेंट वाला. अगर नहीं है तो मैं फिर आ जाऊंगी ना तो इधर ही होती कोई कोई इशू नहीं मिल जाएगा. इसमें ये क्या आपका शीशे का यानी कि इसके अंदर आपने ब्लैक पेपर डाल ली है और जैसे महंगाई में सारे पिस रहे हैं ना. हाँ. ब्लैक पेपर को आपने पीस देना पीस में गुस्से में कि हम पीस रहे हैं तो इसको पीसे. खैर है इस्तेमाल भी करेंगे ना. वो जो है अपना तुम कह रही थी उनके लिए रानी एंड कंपनी के लिए वो कोई चीज़ जिसमें साबुन चाबुन वो रखे किचन में. हाँ टाइप. ये देखो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हैं अच्छी कंपनीज की हैं. कैनवुड है, पैनासोनिक, नेशनल. और यहाँ पर एक बात बताऊँ टोस्टर भी है. लेकिन मुझे दोबारा आना पड़ेगा आज काफ़ी लेट हो गया. कैमरेज बहुत अच्छी. ये देखें बेहतरीन कंपनीज फिलिप्स बहुत अच्छी कंपनीज है मुझे ये सारी. वेरी रिलायबल कंपनीज सैंडविच मेकर वगैरह एवरीथिंग इज हेयर. लेकिन अब देर हो रही है दोबारा आएंगे आकर टोस्टर लेंगे. यार क्या हसीन प्लेट्स हैं सच ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ शॉप. ये पहले मैं पता नहीं क्यों नहीं आई हूँ यहाँ पे. दिस इज़ अमेजिंग. ये देखे ना सर्विंग डिशेस अमेजिंग यार वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल. बस अभी शॉपिंग ख़त्म हुई है और टाइम मेरे ख्याल में क्या टाइम हो गया मुझे 6:10 हो गए हैं. रश इतना ज्यादा था कि लम्हे भर के लिए तो मुझे और बाबा को लगा कि पता नहीं रमजान आ गया. वो उस नौयत का रश था आज. और बड़ी ही अच्छी क्रॉकरी की शॉप जो डिस्कवर की है ना ये वो बहुत ही अच्छी शॉप थी. क्या कुछ लिया है हमने किचन की क्रॉकरी के लिए और जो हमने अपना ये लिया है ग्रोसरी वगैरह. ये अभी ये वाला व्लॉग हो रहा है लंबा तो वो इंशाल्लाह ताला घर जाकर आपको दिखाते हैं. लेकिन वो देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला आपको कल. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें कल तक के लिए और कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.